अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मीरा ना खातिम एंड वेलकम टू माय चैनल टुडे गेमिंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप लोग, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है। आज की वीडियो में हम कुछ नए लीक्स के बारे में बात करने वाले। जी हाँ, आप बोलोगे भाई क्या लीक्स होने वाले, तो भाई जैसा कि आपको चल रहा है कि अपना जो नया रॉयल पास है वो आ चुका है, तो इसके साथ भाई क्या लीक्स नहीं लेके आ गया। तो भाई हम बात करने वाले हैं M7 और M8 के लीक्स के बारे में। जी हाँ भाई, इसके लीक्स आपके भाई के पास आ चुके हैं। तो बात करते हैं आज M7 और M8 रॉयल पास के कुछ टेयर रिवर्ड्स के बारे में और कुछ टाइटल्स के बारे में। तो चलिए ये जितने भी मेरे पास लीक्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्जन 1.8 की न्यू लॉबी थीम के ऊपर। तो भाई यहाँ पे अपनी रहेगी न्यू लॉबी और न्यू लॉबी की लुक देख सकते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रही है और एकदम इन्होंने क्लासिक सी लुक बना रखी है। यहाँ पे कंटेनर वंटेनर पीछे रखे हुए हैं और बहुत मज़े की लॉबी थीम लग रहा है जो हमें न्यू देखने को मिलेगा वर्जन 1.8 में। तो बात करते हैं M7 और M8 के टेयर रिवर्ड्स के बारे में। तो चलिए टेयर रिवर्ड्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें C2S4 का जो फ्रेम है वो देखने को मिल जाएगा और साथ में इसके जो टाइटल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं भाई ये कुछ टाइटल्स रहेंगे अपने C2S4 के अंदर देखने को मिले, और ये रहेगा इसका मेन लोगो और ये रहेगा इसका फ्रेम अवतार और भाई ये रहेगा इसका रॉयल पास M7 और M8 का लोगो। और उसके साथ ही हमें MK14 की स्किन भी देखने को मिलेगी टेयर रिवर्ड्स के अंदर। तो भाई ये थी वीडियो छोटी थी लेकिन कुछ लीक्स मेरे पास आए तो मैंने सोचा कि जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि अपकमिंग जो रॉयल पास हमारे लिए रहने वाले हैं M7 M8 में, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं टेयर रिवर्ड्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटेड रही होगी। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटेड ये रही है वीडियो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि ऑन द फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो भाई उसका नोटिफिकेशन फ्लैग से आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो चुके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और भाई शेयर भी कर दिया करो। तो इसी उम्मीद के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।